आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम की कमान रोहित शर्मा को सौंपी गई है, वहीं उनके डिप्टी हार्दिक पांड्या हैं। टीम में केएल राहुल को मौका नहीं मिला। सुमन गिल और रिंकू सिंह को रिजर्व के तौर पर शामिल किया गया है। केएल राहुल के टीम में ना होने की बड़ी वजह संभवतः उनकी आईपीएल में धीमी बल्लेबाजी रही। चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और सेक्रेटरी जय शाह की अध्यक्षता में टीम का ऐलान मंगलवार को हुआ। रिंकू सिंह मेन स्क्वाड में जगह नहीं बना पाए। इसकी एक बड़ी वजह यह रही कि उनको आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। वहीं रिंकू को अगर आईपीएल में और मैच मिलते तो वह ज़्यादा ओवर कर सामने आ पाते। सुमन गिल भी आईपीएल 2023 वाला फॉर्म बरकरार नहीं रख पाए। उनको गुजरात टाइटन्स की कप्तानी सौंपी गई, लेकिन वह इस बार पिछली बार की तरह बल्लेबाजी नहीं कर पाए। एक बात तय है कि भारतीय टीम में आईपीएल के प्रदर्शन की झलक दिखी है। इसको युजवेंद्र चहल की वापसी से समझ सकते हैं। चहल ने आईपीएल में अब तक 9 मैचों में 13 विकेट लिए हैं। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ टीम में क्यों नहीं चुने गए, यह भी सवाल है। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 9 मैचों में 149.49 के स्ट्राइक रेट से 447 रन बनाए हैं। संभवतः वह ओपनर्स लड़ाई में यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा से पिछड़ गए। रिंकू सिंह वर्ल्ड कप के लिए रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर शामिल हैं, मेन खिलाड़ी के तौर पर नहीं। रिंकू सिंह ने इस आईपीएल में अब तक 9 मैच खेले हैं, जहां उनके नाम मैच 123 रन है। इस दौरान उनका एवरेज 20.5 और स्ट्राइक रेट 150 का है। हालांकि केकेआर की टीम में टॉप ऑर्डर में सुनील नरेन और फिल सॉल्ट धूम मचा रहे थे। वहीं 3 नंबर पर अंकरस रघुवंशी खेल रहे थे। ऐसे में रिंकू को बल्लेबाजी करने का मौका ही नहीं मिला। वहीं रिंकू के इस प्रदर्शन से उनके पुराने प्रदर्शन को आंका जाए तो साफ है कि आईपीएल में जमकर धूम मचाई थी। रिंकू ने आईपीएल 2023 के 14 मैचों में 474 रन बनाए थे। तब रिंकू का एवरेज 59.25 और स्ट्राइक रेट 149.53 था। पिछले सीजन में रिंकू ने केकेआर के लिए 14 मैचों में 474 रन बनाए थे। वह टीम के टॉप स्कोरर रहे। रिंकू का T20 इंटरनेशनल में भी डेब्यू के बाद बल्ला गरजा है। अगस्त 2023 में डेब्यू के बाद रिंकू सिंह ने 15 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जहां उन्होंने 89 के एवरेज और 176.23 के स्ट्राइक रेट से 356 रन बनाए हैं। रिंकू सिंह की तरह शुभमन गिल भी रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर शामिल हैं। इस बार वह आईपीएल में गुजरात टाइटंस की कमान संभाल रहे हैं। शुभमन गिल ने अब तक आईपीएल के 10 मैचों में 320 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका एवरेज 35.56 और स्ट्राइक रेट 140.97 का है। पिछली बार शुभमन गिल आईपीएल के ऑरेंज कैप होल्डर रहे, तब गिल ने 17 मैचों में 890 रन बनाए थे। इस दौरान उनका एवरेज 59.33 और स्ट्राइक रेट 157.8 का था। पर गिल पिछली बार की तुलना में इस बार थोड़े कमतर साबित हो रहे हैं। गिल को रिजर्व में रखने की एक बड़ी वजह उनका T20 इंटरनेशनल में रिकॉर्ड उतना शानदार नहीं होना है। गिल ने अब तक 14 T20 मैचों में 335 रन बनाए हैं। इसमें उनका एवरेज 25.67 और स्ट्राइक रेट 147.57 है। केएल राहुल को लेकर ऐसा माना जा रहा था कि वह T20 में वापस आ सकते हैं, पर उनके साथ एक ही नेगेटिव जाती है कि उनका टेम्परामेंट T20 वाले बल्लेबाजों की तरह नहीं लगता है। राहुल ने अब तक 9 आईपीएल मैचों में 378 रन बनाए हैं। केएल राहुल का एवरेज 42 और स्ट्राइक रेट 144.27 है। वहीं वो 9 कैच और 2 स्टंप भी कर चुके हैं। केएल राहुल ने भारत के लिए आखिरी T20 भी 2022 वर्ल्ड कप में नवंबर में खेला था। उसके बाद से वह कभी भी T20 फॉर्मेट में नहीं खेले हैं। वहीं राहुल के T20 इंटरनेशनल के आंकड़े देखे जाए तो उन्होंने 72 T20 इंटरनेशनल मैचों में 2265 रन बनाए हैं। यहाँ उनका एवरेज 37.75 और स्ट्राइक रेट 139.12 का है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारत की टीम कुछ इस तरह है। कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, शिवम दुबे, उप कप्तान हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, संजू सैमसन, मोहम्मद सिराज और रिजर्व खिलाड़ी सुमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान। दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल खबरें पूरा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।